देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर नवादा से है। नवादा के आईटीआई मैदान में 10 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जन्म संवाद कार्यक्रम में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण वो तथ्यपूर्ण होगा। उक्त बातें मंगलवार को जिला अतिथि गृह के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा। उन्होंने कहा कि यह जन संवाद महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि हमारे नेता 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम होगा तथा लोकसभा में बिहार और नवादा के लिए हमारे मुद्दे क्या होंगे, यह तथ्य पूर्ण बिंदु पर जिलेवासियों के साथ हमारे नेता संवाद करेंगे। उन्होंने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रमुख दल भाजपा का प्रचंड जीत पर कहा कि इस हार का मुख्य कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एजेंट पर चुनाव लड़ा गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सभी मुद्दे जैसे जाति गणना, जातीय आधार पर आरक्षण तथा संरक्षण जैसे विभिन्न मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी उन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा, जिसमें उन तीनों राज्यों में नीतीश कुमार का एजेंडा औधे मुँह गिर गया और वहां की जनता उनके मुद्दों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने 10 दिसंबर को जिले के हर तबके के लोग को जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारी की बैठक भी किया जाएगा। नवादा जिला से सुजीत सिंह, अनिल शर्मा की रिपोर्ट। आईटीआई मैदान में करने जा रहे हैं हम। यहाँ के लोगों से, आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, नवादा जिले के लोग जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के मूर्तियों पार्टी में आस्था रखते हैं, वैसे सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और वो क्या सोचते हैं बिहार के लिए, वो क्या सोचते हैं नवादा के लिए, देश के लिए वो क्या सोचते हैं, उनका विजन डॉक्यूमेंट क्या है, क्यों बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, इन तमाम बातों से आप लोगों के माध्यम से और रूबरू हो करके स्थानीय लोगों को, जिले वासियों को अवगत कराने का काम करें। कार्यक्रम इसके पहले भी जनसंवाद का हुआ है, वह भी काफ़ी सफल रहा है। हमारे नेता की लोकप्रियता आज बताने की ज़रूरत नहीं है कि युवाओं के बीच में हमारे नेता की पहचान, बैठ और उनकी सोच और विजन लोगों के दिलों में उतरा हुआ है। लोकसभा का चुनाव भी है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 3 राज्यों में बड़ी जीत पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से और नवादा जिला के सभी उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसकों की ओर से धन्यवाद देते हैं।